सितारे रहेंगे, हम एक दूसरे के सहारे रहेंगे। नजदीकियां या हो दूरियां, बस प्यार ही रहेगा दरमियान। नहीं धूप कहां ठंडी छाया देगा हरदम। पवित्र रिश्ता, पवित्र रिश्ता तेरे कैसे हुई हमारे घर में पांव रखने की। आइंदा इस चाली के आजू बाजू में भी दिखाई देगी ना तो तेरी टांगे तोड़ के तुझे लंगड़ी बना दूंगी। मैं अर्चना की रक्षा के लिए यहाँ पर उसके साथ हूँ, हमेशा खड़ा रहूंगा। मैं आपकी जिंदगी से जा रही हूँ, हमेशा हमेशा के लिए, और कभी दोबारा आपकी तरफ पलट कर भी नहीं देखूंगी। ने तलाक के पेपर पर साइन कर दिया, लेकिन उसने तो हमें कुछ बताया ही नहीं। वो सुबह यहाँ से डिवोर्स पेपर्स लेकर गई और फिर हमें तो लगा कि वो ऑफिस में चली गई है। ना उसने कुछ फोन किया, कुछ बताया, फिर उसने ये पेपर्स कब और कहाँ साइन किए? जी वो मानव के घर गई थी, शायद मानो ने बुलाया था उसको। हाँ, मैं जानती हूँ, अर्जु को मानव ने उसके घर पर बुलाया था। ये बात मुझे दोपहर को पता चली और जब मुझे ये बात पता चली तो मुझे बहुत टेंशन हो गई। मैं नहीं चाहती थी कि अर्जुन वहाँ उन लोगों के घर अकेली जाए, क्योंकि मुझे उन लोगों पर जरा भी विश्वास नहीं था। इसलिए मैंने विनोद को फोन किया, लेकिन इनका फोन लग ही नहीं रहा था। मैं फोन करके थक गई तो मेरी समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। तो फिर मैंने सतीश को रिक्वेस्ट किया कि तुम अर्जुन के साथ वहाँ पर चले जाओ। मैं नहीं चाहती थी कि अर्जुन के साथ वहाँ कोई भला बुरा हो। पता नहीं मैंने सही किया या गलत, मैं नहीं जानती आई, लेकिन उस वक्त मुझे जो भी ठीक लगा अर्जु के लिए वही मैंने किया। सतीश बेटा, तुमने हमारे लिए जो किया है, थैंक यू। अरे नहीं बाबा, मैंने कुछ नहीं किया, ये तो मेरा फर्ज था। मैं चलता हूं। मैं मानव के घर गई थी, मैं जानती हूँ मैंने तुझे झूठ बोला, लेकिन कुछ सवाल ऐसे थे जिनका जवाब मेरे लिए जानना बहुत जरूरी था, बहुत जरूरी था। इसलिए जब मानव ने वो डिवोर्स पेपर साइन किए और मैंने उन्हें देखा
मुझे यकीन ही नहीं हुआ, इसलिए इसलिए सुबह मैं उनके गैराज में गई और उन्होंने मुझे वहां अपने घर बुलाया। मुझे लगा शायद मानव को मुझसे कुछ अकेले में बात करनी होगी, मुझसे कुछ पूछना होगा। मेरे मन में एक आस जगी कि अब शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन तू जानती है जब मैं वहां गई ना तो वहां क्या हुआ, मानव थे ही नहीं और इतने में अचानक उनकी आई है और उन्होंने फिर एक बार मुझे मेरे और सतीश जी के बारे में क्या नहीं कहा उन्होंने, वो भी पूरी चौल के सामने। मुझे बदनाम करके वो इन पेपर्स पर मुझसे मजबूरन साइन करवाना चाहते थे। आई मानव क्या ही मुझे इतना कुछ बोलती रही। लेकिन मानव के मुंह से एक शब्द नहीं निकलाई। मानव को देख के ऐसा लग रहा था जैसे वो आई की बात से बिल्कुल सहमत है, वो इन सारी बातों पर बिल्कुल यकीन करते हैं। पर तभी मैं समझ गई कि अब इस रिश्ते में कुछ नहीं बचा, सब कुछ खत्म हो चुका है। और तभी मैंने इन पेपर्स पर साइन किया। मैंने साइन कर दी। अब मैं इन सारी चीजों में उलझना नहीं चाहती। अब मैं कभी मानव को पलट कर नहीं देखूंगी। तू हमेशा यही चाहती थी ना कि मैं अपनी जिंदगी में मैं कुछ बनकर दिखाऊं, कुछ करके दिखाऊं। तो अब मैं यही करूंगी, मैं कुछ बन के दिखाऊंगी और मैं अपनी जिंदगी अपने लिए जीऊंगी, अकेले जिंदगी जीऊंगी। कैसे मानो? I'm sure सब misunderstanding खत्म हो गई, right? I mean तूने वहीं से मिलके सब अगली पिछली problem सब solve कर दी ना? मानो, तू कुछ बोल रहा क्यों नहीं है? तरुण, रचना ने divorce paper sign कर दिए। क्या? आई जरा चाय लाना, ऑफिस के लिए देर हो रहा है। अर्जुन तेरा टिफिन। अर्जुन चलो, जो हुआ अच्छा ही हुआ।
मैं तो ये कहती हूँ कि ये साइन तुम्हें बहुत पहले कर देने चाहिए थे। एटलीस्ट इन सब चीजों से छुटकारा तो मिल जाता बहुत पहले तुम्हें। आई मैं चलती हूँ। आज के बाद एक चीज का ध्यान इस घर में सभी ने रखना होगा, अर्चू की शादी या उससे जुड़ी किसी भी बात का जिक्र कोई नहीं करेगा। अर्चू अपना अतीत भूलकर आगे बढ़ना चाहती है और हम में से कोई भी उसके रास्ते में रुकावट नहीं पैदा करेगा। गैरों ने उसे बहुत जख्म दिए, अपनों से तो वो मरहम की उम्मीद कर सकती है ना। देवा तुझे कसे आणि किती आभार मानो, मैंने जो भी चाहा वो आपने दे दिया। वो डायन ने रो के भी तलाक पेपर पर सही की, मेरे मानव का भला हो गया, लेकिन उसका बुरा साया मेरे मानव पे ना गिरने देना। देखो ना, मेरे मानव का तो ऐसे भला हो गया, लेकिन मेरे सच्चू चोर के बारे में सोचो ना। उसका श्रावणी के साथ अच्छा चल रहा था, लेकिन उसका कुसट बाप शादी के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। बात आधी तक आके रुक गई ना देवा, कुछ तो करो ना। हैं? देखो उनकी शादी होने के बाद क्या होगा, हमें एक हाथ बंगला मिलेगा, एक हाथ गाड़ी मिलेगी, 20-25 लाख कैश मिलेगा बस। लेकिन श्रावणी को मेरे जैसी बहुत प्यारी सी सास मिलेगी। नहीं, सास नहीं, बिन माँ की बच्ची को आई मिल जाएगी। कैसे भी करके करवा दो, और मैं कुछ नहीं चाहती, बस शादी करवा दो, दोनों का भला हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए था यार, मेरा मतलब हमने जो सोचा था वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। छोड़ ना यार, अब इसके बारे में सोचने से क्या फायदा। हम लोग सोचते हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन होता वैसा ही है जैसा ऊपर वाला चाहता है। हम उससे कभी नहीं जीत सकते, और सच कहूं तो मेरे पास वक्त भी नहीं है यार, वो सब बातों को याद करके वापस रोने का। मानव यार, तू ये क्या बोल रहा है? सच कह रहा हूँ यार, बहुत काम पड़े, अमृता की पढ़ाई करानी है, सचिन भी अमेरिका जाने की सोच रहा है, अगर वो हो गया तो फिर उसके पैसों का भी इंतजाम करना है, बहुत काम है यार। अगर अपने ही दुखों को सहलाता रहूंगा तो इनके खुशी का क्या होगा। तरुण अर्चना से जब मिला था ना, तो मुझे लगा कि मेरी भी अपनी कोई जिंदगी है जो मुझे जीनी है, लेकिन नहीं, मैं भूल गया था कि मेरी जिंदगी सिर्फ मेरा परिवार है और उनके चेहरे की मुस्कुराहट मेरे जीने का मकसद। पापा हर किसी को एक मकसद के साथ यहाँ भेजता है तरुण, और मेरा मकसद यही है, सिर्फ अपने परिवार को खुश रखना। जो भी हो, तू मुझे एक बात बता, तू कल रात घर पे देर से क्यों पहुंचा, क्या बात थी? मानव क्या हुआ? मुझे जाना होगा, मुझे वर्षा की मदद करनी होगी, वो गलत रास्ते पे जा रही है यार, अगर मैं नहीं गया ना तो वो मुसीबत में पड़ जाएगी। अरे क्या हुआ क्या? देख वो किसी ऐसे लड़के से प्यार करती है जो शादीशुदा है, और वो उसको धोखा दे रहा है, वो उसकी जिंदगी खराब कर देगा यार, मुझे जाना होगा। मानव तू प्यार किसी और रिश्ते से नहीं, लेकिन सिर्फ एक इंसानियत के रिश्ते से। अगर इसकी जगह वर्षा नहीं होती ना, कोई और भी होती तो मैं जाता। अरे एक मिनट।
Yes? जी, वर्षा यहाँ। हाँ, लेकिन आप कौन? जी, मैं मानव। ठीक है, एक मिनट। जी। वर्षो, तुमसे कोई मिलने आया है? तुम? तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? और तुम्हें यहाँ का पता किसने दिया? प्लीज यहाँ से चले जाओ। देखो वर्षा, मुझे तुम्हारे घर का पता तुम्हारे ऑफिस से मिला है। एक बहुत जरूरी बात करनी। लेकिन मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी और ना ही तुम्हारी बात सुननी है, समझे? वर्षा, एक बात। अगर तुम सीधी तरह से नहीं गए तो मैं पुलिस को बुलाकर तुम्हें यहाँ से धक्के मारकर निकलवाऊंगी। वर्षा, जाओ यहाँ से। वर्षा, तुम गलत समझ रही हो। मुझे तुमसे तुम्हारे बारे में कुछ बात करनी है। वरना मैं सचमुच पुलिस को बुलाऊंगी। वर्षा, मेरी बात सुनो एक बार। मैं सीधी तरह बात कर रही हूँ, समझ में नहीं आ रहा है तुम्हें? हाँ, यहाँ से चले जाओ। तुमने मेरी ताई के साथ जो किया उसके बाद तुम्हारी शक्ल तो क्या? मैं तुम्हारे नाम से भी नफरत करती हूँ। जाओ यहाँ से। मेरी ताई का पति। ले लो वापस के लिए। थैंक यू। जाना जरूरी है। क्या करूं अश्विन, तुम्हें छोड़कर जाने का मेरा बिल्कुल मन नहीं है, पर इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, मिस नहीं कर सकती। आई हैव टू गो। कब जाना है? 2 दिन में। उर्मिला, ये 10 दिन कैसे बीत गए तुम्हारे साथ मुझे पता तक नहीं चला। अब फिर से एक लंबी जुदाई। अशु प्लीज ऐसे मत कहो। देखो, जैसे ही ये काम खत्म होता है मैं तुम्हारे पास जल्दी आ जाऊंगी और इस बार तुम्हें छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी। या चलो, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, मैं चलता हूँ। जल्दी आओगे ना? डेफिनेटली। अब 2 ही दिन तो बचे हैं तुम्हारे साथ। I promise you, जितना ज्यादा से ज्यादा समय हो सकेगा तुम्हारे साथ बिताऊंगा। अश्विन, क्या कर रहे हैं आप? कोई देख लेगा तो? देख लेगा तो देखने दो। अब हमारी शादी में देरी कितने बचे? अरे तुम क्या, कुछ पेमेंट वेमेंट बची है क्या? अभी पेमेंट मैं ले चुका हूँ। आज तुमसे कुछ सवालों के जवाब देने हैं। हाँ बोलो। क्यों उस मासूम लड़की को धोखा दे रहे हो? लड़की, मैं कुछ समझा नहीं। कुछ समझा नहीं या ना समझने का नाटक कर रहे हो? यार, अगर तुम्हें मेरे मुंह से ही सुनना है तो ठीक है, मैं वर्षा की बात कर रहा हूँ। वर्षा, तुम उसे कैसे जानते? मैं कैसे जानता हूँ यार, भूल जाओ। मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ कि तुम खुद शादीशुदा हो कि उसके साथ ऐसा? ए, ए, ए। तुम इल्म भी है, तुम ना खड़े, तुम होते कौन हो मुझसे सवाल पूछने वाले? मैं वर्षा का बहनोई हूँ। और एक बात याद रखना, मेरे होते हुए तुम उसको धोखा नहीं दे सकते। अच्छा, जाओ, जो कर सकते हो कर लो। लेकिन एक बात याद रखना, मुझे मेरे काम में दखल देने वाले लोग
बिल्कुल पसंद नहीं, इसलिए बेहतर ये होगा तुम सिर्फ अपने काम से काम रखो, मेरे वर्षा के बीच में आओ तो तुम खुद सोच सकते हो। और हाँ, एक आखिरी बात, अपनी औकात से ज्यादा ना तो देखो और ना ही सोचो, बाकी आगे तुम समझना। देखते हैं। सहारे रहेंगे नजदीकी।